प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को दी बधाई। जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, जत्था रवाना करने से पहले की पूजा। मिशन राजस्थान के लिए बीजेपी का ताबड़तोड़ अभियान जारी, गृहमंत्री अमित शाह उदयपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित, रैली में 50,000 लोगों के जुटने का दावा। प्रयागराज में आज लाभार्थियों को नए फ्लैट की चाबी सौंपेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त करवाई गई जमीन पर बने हैं 76 फ्लैट। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुलाकात का दौर तेज, अमित शाह और नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल ने से डिप्टी सीएम फडणवीस ने की मुलाकात। यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, कानून संबंधी संसदीय समिति लॉ कमीशन से करेगी चर्चा, सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने 3 जुलाई को बुलाई बैठक। पुतिन ने की पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की तारीफ, मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान घरेलू चीजों के प्रोडक्शन पर दिया जोर, कहा स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन के लिए बने नीति। लगातार बारिश से देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात बेकाबू, गुजरात के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, चमोली में फिर बंद हुआ हाईवे, उत्तराखंड के 7 जिलों में येलो अलर्ट। फ्रांस में लगातार तीसरे दिन सड़कों पर हिंसा और आगजनी, नाबालिग की मौत के बाद गुस्साई भीड़ का कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन, बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती लेकिन हालात बेकाबू। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का मुद्दा। गुजरात के कच्छ में भी इतना पानी बरसा कि वहां कई इलाकों में सड़कों का नामोनिशान मिट गया। हालात ये हो गए कि सैलाब में बही सड़क को पार करने के लिए लोगों को खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ा। मानसून से पहले बिपरजॉय तूफान ने भी वहां जमकर तबाही मचाई थी और अब मानसून के दस्तक देने के बाद वहां आसमान से मानो आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश ने वहां हाहाकार मचा दिया। सैलाब की वजह से कच्छ के कई इलाकों में सड़कों का नामोनिशान मिट गया। कच्छ के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ लोग खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से सड़क पार करते दिखे, क्योंकि बाढ़ की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। इसी वजह से सड़क को पार करने के लिए लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लिया। पहले 3 लोग मशीन के अगले हिस्से पर सवार हुए जिन्हें सड़क के दूसरी तरफ उतार दिया गया। इसी तरह कुछ और लोग भी उस मशीन की मदद से सड़क पार करते नजर आए। मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात के अहमदाबाद शहर के कई इलाके भी बारिश के पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके तालाब बन गए। आसमान से बरसती आफत ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी वहां तक पानी ही पानी नजर आया। नरोडा और सरदार नगर इलाके में तो बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि लगा वहां कोई नदी बह रही हो। बारिश के बाद अहमदाबाद में शाहीबाग, वाडज, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, गोटा, नारनपुरा, अंबावाड़ी, एसडी हाईवे और पालड़ी में सड़कों पर पानी भर गया, जबकि मणिनगर इलाके में बारिश की वजह से एक मकान के बाहर बनी सीढ़ियों का हिस्सा गिर गया, जिसे कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए जिन्हें दमकल विभाग की टीम ने नीचे उतारा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी।